इंडियन आर्मी का ये वाघा बॉर्डर पर। सो ये इस तरह की और बहुत सारी खूबसूरत बातें जो कि यादगार हैं और हिस्ट्री का हिस्सा हैं। ये मज़ाहमती शायरी है शोरश कश्मीरी का, बड़े चलो बड़े चलो, ये उनकी नज़म है। तो मैंने इसमें तराने, नज़में और जंगी जो भी काम था वो भी इसको भी, ये 6 सितंबर ये आ गया है। बिल्कुल सही। तो ये भी मैंने रिकॉर्ड में रखा हुआ। गॉड ब्लेस यू कि आपका ये जो हॉबी में शौक ये हॉबी में है और इसको जरूरत भी समझता था कि ये ऐसा वक्त है कि इसको मैं कैच कर लूँ। बिल्कुल सही वक्त पर ही। आज ये चीज़ें तलाश की जाएं तो अखबारात के दफ्तरों से निकल सकती हैं, लेकिन पुराने फाइल कौन खोलेगा, कौन देखेगा, लेकिन ये यकजा हो गई हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि एक ही जगह पर, और ये बड़ी हिम्मत और काबिश है। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम। गॉड ब्लेस यू। किसी दिन हम एक मुकम्मल एहतमाम करेंगे जिसमें पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री और आपसे गपशप, पाकिस्तान की हिस्ट्री और उसके अलावा मैंने दुनिया की सियाहत की हुई है जी। और तीसरी बात यह है कि मैं पहला पाकिस्तानी हूँ जो नॉर्थ पोल पर गया हूँ, वो भी कभी आपको मौका मिले तो सारी दुनिया के साथ मेरे साथ कर। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। आप साथ हैं, आपने इतनी ये जो शौक में पाकिस्तान की पूरी पिक्टोरियल हिस्ट्री जमा की है, गॉड ब्लेस यू फॉर दैट। ये हमारे पास एक बड़ा नादर एक नुस्खा आ गया है, बहुत सारी चीजें इसमें हमारे पास महफूज अफराई के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, दुआ यही कि आपकी हर सुबह खुशगवार हो, हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो, और दुआ यही कि सरहदों पर जहाँ कहीं हमारे जवान पाकिस्तान की सरहदों के लिए खड़े हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे, और दुआ यही कि हमारे ये जो शहीद हैं अल्लाह ताला इनकी कुर्बानियों को कबूल करे और हमें भी ये तौफीक दे कि हम इनकी कुर्बानियों को रायगा ना होने दें, और अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे और पाकिस्तान का सब्ज लाली परचम दुनिया में हमेशा शान और इज्जत के साथ लहराता रहे। अल्लाह हाफिज़। हमें रहना है अपनी सरजमीं का पासवा बनकर, नबी की है दुआ फतेह मुबीन का एक निशा बनकर, करम अल्लाह। मॉर्निंग विद फारा वॉज प्रेजेंटेड बाय यूफोन। यूफोन के लाइव प्लस पैकेज पर कॉल सिर्फ 2.5 रुपए फी घंटा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर